सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज आप सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओम सूर्याय नमः। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिनका अभी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली रहे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आज आप किन किन चीज़ों से लेकर अलर्ट रहेंगे। आखिर ऐसी कौन कौन सी कार्य करने से आपके जीवन में धन दौलत रुपये पैसे बिजनेस कारोबार के मामले में भी वृद्धि होगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं 28 मार्च रविवार 2021 के आपके राशिफल के बारे में कि यह दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों से लेकर इन्हें बचना है, किन चीज़ों से लेकर इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य की जानकारी हम आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 28 मार्च 2021 रविवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बन रही है। तो दिन रहेगा आज रविवार का, महीना जो है वो फाल्गुन का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बन रही है जो कि यह रात्रि के 3:27 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 12:18 तक चलता रहेगा और इसके आगे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा नामक तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र बन रहा है जो कि यह शाम के 5:36 तक चलता रहेगा। योग की बात करें तो यह रात्रि के 1:31 से लेकर ठीक 9:49 तक चलता रहेगा और इसके आगे ध्रुव नामक योग जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 6:26 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 6:37 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:23 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है सुबह के 6:50 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर, चंद्र राशि चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा। तो चलिए अब जानते हैं शुभ काल यानी अभिजित मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के यानी अभिजित मुहूर्त की बात करें तो यह 2:12:07 से लेकर ठीक 2:12:56 तक चलता रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह शाम के 5:06 से लेकर ठीक शाम के 6:37 तक चलता रहेगा। याद रखिए दोस्तों, आप राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य को बिल्कुल भी न करें वरना आपके कार्य में विघ्न बाधाएं किसी प्रकार की आ सकती है। सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जीत पर खड़े होते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए लेकिन संकल्प एक ही मिलेंगे मंजिल पाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं डेली राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। सिंह राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं आज के सितारे। तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे सिंह राशि का दैनिक राशिफल। आप आज किसी मनोरंजन व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे, उसके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। इस आदमी से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश करें, इससे आपको लोगों की मन की स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। परिवार की यात्रा में अगर अपनी मनपसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रहें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो त्वचा संबंधित छोटी छोटी तकलीफें से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजना बनाएं, तेलीय पदार्थों से दूर रहें, बाकी सेहत आपकी तो अच्छी ही रहेगी। बहुत सारे पेड़ों वाले जगह घूमने से बचें क्योंकि आज आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इससे आपकी त्वचा पर दाने उभर जाएंगे। आज सावधानी के साथ एंटी एलर्जी दवा साथ रखें, आवश्यकता पड़ने पर आप इसे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।
प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो आप अपने रिश्तों में एक नया आयाम की तलाश करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर का व्यवहार हाल फिलहाल काफी उलझन में भरा रहेगा, लेकिन आज शायद आपको इश्क जवाब मिल जाएगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप इस सूचना को कैसे लेते हैं। आपके लिए सुझाव यह है कि कोई भी फैसले लेने से पहले गहराई से सोच लें। जो अकेले हैं उन्हें किसी भी नए आदमी के साथ संबंध शुरू करने से पहले सावधान रहें। करियर और धनराशि फल की बात करें तो आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ने के संकोच में नहीं करना आप उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर खो सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकार या एक कदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ दे सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। आज के दिन सूर्याय नमः लिखने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।